दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ जो कि टीचर्स की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और ये संस्कृत विषय की है। इसमें संस्कृत विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। टॉपिक बाय टॉपिक सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें संज्ञा प्रकरण के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में संधि, थर्ड में समास, फिर प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, उपसर्ग, इस प्रकार के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके कटारिया और आप देख रहे हैं इसका एजुकेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, अच के व्यवधान रहित हल वर्णों की संज्ञा होती है, यानी स्वरों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन देख लीजिए, लोप संज्ञा, इत संज्ञा, संयोग संज्ञा और ऑप्शन डी कह रहा है ए बी सी तीनों संज्ञाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोग संज्ञा। अच के व्यवधान रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। कौन से सूत्र के अनुसार? हलो अंतरा संयोगे, इस सूत्र के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से इंद्र किसका उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, सवर्ण संज्ञा का, अवशान का, संयोग संज्ञा का या फिर वृद्धि का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन श, संयोग संज्ञा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा उदाहरण संयोग संज्ञा का है, रामायणम, कारकम, भरतम या फिर त्राणम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, त्राणम। देखिए ये जो इंद्र है और ये त्राणम, इन दोनों में ही स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहां पर संयोग संज्ञा हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच यानी अनुनासिक स्वर की संज्ञा होती है, यानी कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन देख लीजिए, लोप संज्ञा, इत संज्ञा, संयोग संज्ञा या फिर ए बी सी तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इत संज्ञा। उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। कौन से सूत्र के अनुसार? उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुबंत और तिगंत की संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन देख लीजिए, लोप संज्ञा या इत संज्ञा या संयोग संज्ञा या फिर पद संज्ञा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पद संज्ञा। कौन से सूत्र के अनुसार? सुप्तिंगंतम पदम, इस सूत्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है, कौन से सूत्र के अनुसार होती है ये आपको बताना है। पहला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, दूसरा है हलंत्यम, तीसरा है आदिर्य टुडुव है और चौथा सूत्र है शय प्रत्ययस्य। तो इसका सही आंसर होगा दो नंबर का ऑप्शन, हलंत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य प्रत्ययों के प्रारंभ में यदि लय, शय या कै वर्ग है तो इसकी इत संज्ञा होती है, कौन से सूत्र के अनुसार होती है ये आपको बताना है। उपदेशे अज अनुनासिक इत या हलंत्यम या लयसकवत्वधिते या फिर शय प्रत्ययस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास कहलाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, अभ्यंतर यत्न या बाह्य यत्न या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अभ्यंतर यत्न। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, तो इसका हो गया अभ्यंतर यत्न, और उच्चारण से बाद में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को क्या कहते हैं? बाह्य यत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान कितने हैं, पांच हैं या छह हैं या सात हैं या आठ हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सात। उच्चारण स्थान मुख्य रूप से सात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं, पांच माने गए हैं या छह माने गए हैं या सात माने गए हैं या आठ माने गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आठ। देखिए उच्चारण स्थान जो हैं ये मुख्य रूप से सात हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो आठ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सूत्र गणोन आदि वाक्य लिंगानुशासनम आदि क्या हैं? व्याख्या है या उपदेश है या सूत्र है या आदेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये उपदेश हैं। इसको एक श्लोक बद्ध करके बताया गया है, धातु सूत्र गणोन आदि वाक्य लिंगानुशासनम आदेशो आगमश्च उपदेशः परिकीर्तितः। इस प्रकार से ये उपदेश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदित संज्ञा कहाँ होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क च ट त प जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उदित संज्ञा होती है, या फिर कु चु टू तु पु यहाँ पर होती है, या य व र ल में होती है, या फिर श श स ह में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कु चु टू तु पु जो है इसकी उदित संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 12 है या 13 है या 8 या 9? तो सिंपल क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 होते हैं। क्वेश्चन को समझना है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कि स्वराः भवन्ति, तो फिर इसकी संख्या में बदलाव हो सकता है विकल्प के अनुसार। विकल्प में यदि 9 नहीं है तो आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 13 माना जाएगा, और यदि 9 दिया हुआ है तो सबसे पहली चॉइस होगी ऑप्शन डी, यानी 9 ही माने गए हैं। एक सूत्र है जो कहता है अच है स्वराः, यानी अच प्रत्याहार में आने वाले स्वर होते हैं। ये सूत्र आपके सामने है, माहेश्वर सूत्र, और इसमें अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, रेड कलर में मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। इसमें हलंत वाले वर्णों को शामिल नहीं करेंगे, तो ए ई उ री लि ए ओ ऐ औ, ये 9 वर्ण जो हैं, ये 9 अक्षर जो हैं, ये स्वर हैं, ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हैं। तो ये ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि स्वराः भवन्ति, तो इसका आंसर 13 भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर विकल्प में 9 नहीं है तो 13 होगा, और यदि विकल्प में 9 भी दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको डी ऑप्शन को ही चुनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 12 हैं या 33 हैं या 8 हैं या फिर 9 हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 33, 33 व्यंजन हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। देखिए ये जो स्वर मैंने बताए थे आपको, इनको आप छोड़ दीजिए, और जो बच गए हैं नीचे वाले, ये सभी व्यंजन हैं ब्लैक कलर वाले, हलंत वालों को भी नहीं गिना जाएगा। तो जितने भी ब्लैक कलर में बिना हलंत के जितने भी वर्ण हैं, ये सभी व्यंजन हैं, और इनकी संख्या 33 है, आप गिन सकते हैं। तो शुरू के चार जो सूत्र हैं ये स्वरों से संबंधित हैं, और बाकी के व्यंजनों से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों में स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है या 42 है या 25 है या 9 है? तो आप सभी जानते हैं इसकी संख्या होगी 25, ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं 25? ये देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों में जो वर्ण शामिल किए गए हैं वो सभी स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण माने गए हैं, यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर के कितने माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? ऑप्शन ए 63 या 64, ऑप्शन बी 21 या 22, ऑप्शन सी 33, और ऑप्शन डी कह रहा है 42। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 63 या 64। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि या तो 63 होना चाहिए था या 64। 63 या 64 का क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सूत्र है जिसमें बताया गया है, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठीर्वा वर्णः शम्भु मते मता। ये सूत्र कहता है कि 63 या 64 कुल वर्णों को माना गया है, तो इसको भी समझेंगे अगली स्लाइड में। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या स्वीकार की गई है 63 या 64, 21 या 22, 33 या फिर 42? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 या 22। देखिए 63 या 64 का आंकड़ा भी इन्हीं स्वरों की संख्या से ही रिलेटेड है, क्योंकि इनकी संख्या में ही एक को कम या ज़्यादा माना जाता है। तो इसका कारण मैं बता देता हूँ कि स्वरों को 21 या 22 माना गया है। क्यों माना गया है, इसका रीज़न ये है, देखिए मैं आपको इनकी काउंटिंग करवा देता हूँ कि कौन कौन से 21 या 22 हैं।
ए ई उ री, ये जो चार अक्षर हैं इनके तीन तीन रूप होते हैं, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अगर इन तीन, इनको हम तीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी संख्या होती है 12। तो 12 तो आप ये जोड़ लीजिए। और जो ली वर्ण है इसको या तो केवल प्लुत माना गया है या फिर ह्रस्व और प्लुत दोनों माना गया है। तो इस प्रकार से इसको कई बार एक माना जाता है, कई बार दो माने जाते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है 63 या 64 का आंकड़ा, या फिर 21 या 22 का। तो यहाँ पर आप इसको या तो एक मानोगे या दो। और फिर लास्ट में है ए ओ आई औ, इनको दीर्घ और प्लुत ही माना गया है, इनमें ह्रस्व नहीं होता। तो ये चार अक्षर हैं और इनको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 8। तो ये 12 और 8 20 हो गए, और एक या दो ये, तो 21 या 22 इस प्रकार से ही होते हैं। और दोस्तों यदि आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो वर्णमाला पर मैंने एक विशेष वीडियो बनाया है, संस्कृत वर्णमाला नाम से आपको YouTube पर मिल जाएगा। आप केवल इतना ही लगाइए, संस्कृत वर्णमाला, तो ऊपरी ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें वर्णों को अच्छे ढंग से मैंने बताया है, केवल वर्णमाला पर ही वो वीडियो है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की कुल संख्या कितनी स्वीकार की गई है? अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो स्वरों का था, और यह है व्यंजनों का, कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी स्वीकार की गई है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। वही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 42 यानी 42। कौन कौन से हैं 42? 25 तो हो गए स्पर्श वर्ण, जो मैंने अभी आपको बताया, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। और ये जो कुचुटुतुपु है इसको हम उदित वर्ण भी कहते हैं। तो इन पांचों वर्गों के जो वर्ण हैं उनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। तो 25 तो ये हो गए, 4 हो गए उष्म, और 4 ही हो गए अंतस्थ, 1 हो गया दुःस्पृष्ट, इसके अलावा 8 हो गए अयोगवाह है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम। तो 4 तो यम हो गए, 2 अर्धविसर्ग, 1 विसर्ग और 1 अनुस्वार। तो ये मिलाकर हो गए 8, और 8 ही हो गए ओष्मांतस्थ और दुःस्पृष्ट। तो 8 और 8 16 है, और 25 इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 42। तो इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल व्यंजनों की संख्या है वो 42 स्वीकार की गई है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 9 हैं, 33 हैं या 42 हैं या 60 हैं? देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार पूछा है तो आपको माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। 9 स्वर और 33 व्यंजन, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 42, और ये संख्या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार होती है। उष्म वर्णों में नहीं है, उष्म वर्णों में कौन सा अक्षर नहीं है ये आपको बताना है, शय, शय और शय, और लास्ट में दिया है र। तो ये तीनों उष्म वर्ण हैं ऊपर वाले, और ऑप्शन डी या द जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ वर्ण नहीं है, अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, है, ये, वे और रे। तो इसमें अंतस्थ वर्ण ऑप्शन ए वाला नहीं है, यानी है वर्ण जो है वो अंतस्थ वर्ण नहीं है, ये वर्ल अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण में संयोजन हुआ है, इसको जय भी बोलते हैं, जय और ये के मिलने से इसका संयोजन हुआ है। तो ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन है द, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जय और ये के मिलने से ज्ञ बना है, इसका सही उच्चारण होता है जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माहेश्वर सूत्र में अकार की भी इत संज्ञा हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लण सूत्र में, लण सूत्र में अकार की भी इत संज्ञा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पूर्व विद्यमान है, यहाँ पर कै लिखा गया है और इससे पहले एक सिंबल लगाया गया है, तो ये किसका सिंबल है ये आपको बताना है, क्या विद्यमान है, विसर्ग है या अनुस्वार है या उपधमानीय है या फिर जिह्वामूलीय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जिह्वामूलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या है 40, 41, 42 या फिर 44? देखिए सामान्यतः संख्या है 42, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और अधिकतम इनकी संख्या होती है 44। प्रत्याहारों पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है संस्कृत प्रत्याहार नाम से, तो उसमें
सभी प्रत्याहारों को अच्छे ढंग से समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहारों का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आदिरंतेन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह वर्ण का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु या कंठ तालु या फिर कंठोष्ठ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकार का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ या ओष्ठ या कंठ तालु। अब एक यहां पर बच गया है, वही इसका आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम एक सूत्र है, तो वो हमें ये बताता है कि वकार का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ ये दोनों मिलकर के बनते हैं दंतोष्ठ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 2, 4, 5 या 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन स, 5। कौन कौन से 5 होते हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समवृत, ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा स्पृष्ट, विवृत, समवृत या फिर विवृत समवृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत या समवृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईषद स्पृष्ट। देखिए एक सूत्र है, ईषद स्पृष्ट मनता है स्थानाम। इस सूत्र के अनुसार अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वर हैं कितने हैं? 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या फिर 8? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुल स्वर होते हैं 9, और ये 9 स्वर आपके सामने हैं, और इनमें से ये जो शुरू के 5 स्वर जो हैं ये हैं मूल स्वर, और ये जो लास्ट वाले 4 स्वर हैं ये हैं संयुक्त स्वर। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है या फिर यह या फिर र और या फिर ल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, है वर्ण का, है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है, तो मैंने आपको अभी बताया भी था 4 है, शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित हैं, और लास्ट के जो हैं 10 सूत्र वो व्यंजनों से संबंधित हैं। कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का मुख कहलाता है छंद है या निरुक्त या व्याकरण या फिर ज्योतिष? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन स, व्याकरण जो है वो वेदों का मुख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम, इस सूत्र के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत किसका है? पाणिनि का या कात्यायन का या पतंजलि का या फिर तीनों का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, पतंजलि का। यानी इस सूत्र का मतलब होता है कि जो मुनि बाद में आता है उसका मत प्रमाणित होता है, तो सबसे बाद में पतंजलि आए तो उन्हीं का मत है वो सर्वसम्मति से प्रमाणित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है इत संज्ञा होती है या वृद्धि संज्ञा होती है या प्रत्याहार संज्ञा होती है या फिर पद संज्ञा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इत संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प से पहले का अर्धविसर्ग कहलाता है जिव्यामूलीय या उपधमानीय या यम या फिर अनुस्वार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ब, उपधमानीय। दोस्तों ये थे आज के टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस संज्ञा प्रकरण से। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो निसंकोच आप कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं वीडियो के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।